का व्लॉग ना मैं थोड़ा जल्दी शुरू करूँ, क्योंकि ना अभी ना मतलब आज का व्लॉग मैं ये था कि आज ना जल्दी शुरू कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त ने चल जाना था लाहौर, तो उसने कल चल जाना लाहौर, कहता था यार आज ना बैड़े वगैरह जो होते हैं वो जल्दी खोल ले, तो मैंने कहा ठीक है खोल लेते हैं। तो आज हम बैड़े के सैर कराते हैं इस टाइम, उसके अलावा बकरों को बाहर लेके जाते हैं, और सफाई की बात है यहाँ सफाई नहीं करनी, यहाँ से सामान उठा के वहाँ पर रख देना ताकि ना वो स्लिप ना हो वगैरह। तो अभी पहले हम ना ऐसा करते हैं कि ना बैड़े को उठाते हैं और ना बैड़े को उठा कर बाहर ले जाते हैं, और बकरों को भी उठा कर बाहर, और पट्ठे इनके थोड़ी देर बाद जाके ले जाएँ, क्योंकि अभी रात को मैंने अभी रात को आया था तकरीबन 1-2 बजे आगे इनको पट्ठे खिला गया था, तो तब से इनका पेट तो फूल है, लेकिन ना मेरी तरह खुद भी ज़रा ना देख लेते हैं, अगर इनको भूख लगी हो सकेगी तो हम इनको पट्ठे देने का, तो अभी चलते हैं मेरे जाकर इनको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अभी बाहर बांध दिया, हम अच्छी तरह घुमा के भी ले आए थे, इसके अलावा बकरी बांध दी है, तो अभी इसके पट्ठे लेने जाने तो वो ले जाते हैं। तो जो पट्ठे लेने जाने से पहले ना हमने एक दोस्त का फोन आया था, कहता यार मैंने बैड़ा लिया नहीं आया, तो वो बैड़ा देख गए, और इसके अलावा ना एक दोस्त ने बकरे भी लिए थे तो वो देखने जाने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना वो देख के उसके बाद लाए, उसके बाद पट्ठे वगैरह डालें। मैं काम तो वहाँ से आके आपको अपडेट कर देने का। काम से तो ऐसे तो यहाँ पर आके भी बैठे थे, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, तो अभी ना बैठा भी फुल रेस्ट करा, फुल गर्मी में आया, आपको चेक करवाता मेरा, वो देखें ये देखें ये फुल रेस्ट कर रहे हैं दोनों, तीनों ही बैठे रेस्ट कर रहे हैं, चौथा भी बोल गया जानवर, तो चौथा भी बैठा रेस्ट कर रहा है, तो इसने कल चल जाना है लाहौर अपने घर वालों के साथ, तो आखिरी दिन ना ये तो फुल पागल होता है जानवरों के पीछे, तो इसको शौक बड़ा जानवरों का, इस वजह से ना तो ये यहाँ बैठा हुआ है जानवर के पास, क्योंकि इसका आज आखिरी दिन है, इसने निकल जाना है लाहौर, तो इसने आना ईद के बाद डायरेक्ट, इसी वजह से जानवरों से बातें वगैरह कर रहा है बैठा भी। इसके अलावा हमने भी देखते हैं खाने वगैरह का, पट्ठे वगैरह भी ले जाते हैं, हमने खुद तो बोतलें पी ली थी, तो अभी पट्ठे वगैरह ले जाते हैं। मैडम के पट्ठे तो ले आए, तो इस बीच ताज़े निकलवाए हैं हमने, तो मेरे यहाँ जो बेहतर रहते हैं, तो अभी डालते हैं पट्ठे और आप चेक करवाते हैं, ठीक है। तो जी मैडम को तो पट्ठे डाल दिए थे, अब उधर अपना भी कोई इंतजाम देख लेते, खाना खुना खा करते हैं, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। बकरों का भी डाल दिए थे, इस बीच हमने ताज़े पट्ठे निकलवाए ताकि ना वो स्कूल से खा सके, पहले जो होते थे ना पट्ठे सही होते थे, तो किसी और जगह से चेंज किया, तो पट्ठे जरा सही होने लगे, तो ज़रा पट्ठे वगैरह खिलाते हैं, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। वो जो कि बकरों के पट्ठे ले गया ना, तो यार मेरे आने से पहले बैड़े को तो नहा भी दिया था, क्योंकि मैं गया था काम जरा, ये साइड ये भी साइड साफ़ कर दी थी, ये साइडें साफ नहीं की, और ये वाली साइड मैं खुद ही साफ़ कर लूँगा, तो ना अभी मैं सोच रहा था कि पंखा वगैरह चलाया, पंखा वगैरह सॉरी ला दिया, पंखा चल रहा था तो लाइटें वगैरह चला देते हैं, तो अभी जरा कोई खाना खाने का सिस्टम करना है, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं, ठीक है ना। वगैरह खा लिया जरा हम बैड़े को ना, बैड़े बैठने भी खाना खा लिया था, हमने कहा यार इसको वॉक वगैरह करवा देते जरा, तो अभी लेके जा रहे हैं, देखते कहाँ से लेके जाते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मारता तो नहीं है, तो अब ज़रा देखते हैं कहाँ से जाता, तो अभी यहाँ से ना घुमा के कोई आगे जगह पे लेके जाएंगे, तो अरे रस्सी पकड़ाएंगे मुझे, तो कहता तो कुछ नहीं, अब देखना साथ साथ ही चलता है, तो अभी ज़रा लेके निकलते हैं उसको यहाँ से कहीं दूर, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं, ठीक है ना। अरे और बकरे के पट्ठे ले आए थे हम, तो इनको डाल दिए, तो अभी ना माशाल्लाह बैठा भी पट्ठे खा रहा, तो बकरे ने खा लिया, अभी थोड़े से डाले थे इनको, तो इनको अभी तक मतलब मैं ज़्यादा नहीं पट्ठे डाले, क्योंकि जाया करते होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठा तो हमारा खाना, बल्कि खा भी इसने सारा ही, यार वाह माशाल्लाह अच्छा हो गया, अच्छा बचा हो गया हमारी ना, तो अब तो नहीं मारता मैं, तो अभी ना इसके पट्ठे जो से रह गए वो हम इसमें देते हैं, और इसको अच्छी तरह ना पेट पर आ गए ताकि ये सो जाए सुकून से, यार यहाँ पर शीट लगाई हुई थी हमने, इसमें शीट उतार दी, वो शीट रखी हुई इसमें, तो इस पे ज़रा कोई टेप वगैरह लगा देते हैं ताकि ना कोई नुकसान वगैरह ना हो, तो इसके अलावा ना हम इसको और पट्ठे देते हैं, और इसके बाद ना
पंखा यार भी इस वजह से चलाया हुआ क्योंकि ना हवा इनको यार देनी होती है, तो आवाज़ की क्वालिटी का कोई मसला नहीं यार, हो ख़राब होती है होने दो, लेकिन यार इनको आवाज़ देना ज़रूरी है। तो अभी एक काम जाना है तो उससे आगे आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है ना। गया हुआ था काम, तो काम से भी हो गया चुका, तो हमारा एक फ़ायदा यही हो गया कि हमने ना बकरों के जों से और बैलों के पट्टे थोड़े स्टॉक करके रख लेते हैं, मतलब ना अगर मतलब बैलों के और बकरों के पट्टे लेके आते हैं ना तो थोड़े बचा के रख लेते हैं, देंगे बाद में यार काम आ जाएंगे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैंने ना नीचे आया हूँ, मैं ना काम से ही हो गया हूँ फ्री, तो अभी हो गया आई हूँ, तो देखा है तो बैठे को भूख लगी हुई थी भाई, फुल उसकी बराजों से खाली थी, तो मैंने पट्टे पड़े थे, मैंने पट्टे डाल दिए, तो माशाल्लाह पट्टे भी खा रहा है अच्छी तरह, तो पानी वगैरह इसको पिलाया, लेकिन ये पानी पी नहीं रहा इतना, क्योंकि जहरी बात है ये पट्टों वगैरह में ही पानी इतना हो जाता है, तो वो पानी वगैरह इतना जानवर पीता नहीं है, तो बकरों ने तो पानी पी रहा, बकरों को पानी भी पिलाया, पट्टे वगैरह भी खिला दिए थे, तो अभी बैठे हुए थे, तो अभी मैं काम से आया ना, मतलब तो उठ गया फौरी तौर पर, तो इसके अलावा ना मैंने वो आवाज़ की ज़रा क्वालिटी सही करने के लिए पंखा बंद कर दिया, मैंने कहा उतनी देर पंखे को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, और अभी ना मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो इसके अलावा ना यार हमने ना मतलब आप लोग मुझे बताओ कि हम लोग इसका ना नाम क्या रखे हैं वैडे का, तो बकरों का तो नाम हमने रख दिया, वो हमको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा क्या नाम है, तो आप लोग मुझे बैठे का नाम ज़रूर बताओ कि क्या रखा जाए। तो मेरा तो यही ना कि इसका नाम शेरा रखा जाए, या तो कोई अच्छा सा मतलब ऐसे को कोई नाम रखा जाए जिससे मतलब ना जैसे चीज़ देखें जैसे इसकी लुक है ना उसके हिसाब से आप लोग बताएँगे इसका नाम क्या होना चाहिए। तो इसके अलावा आप लोग मुझे बताओ कमेंट में ज़रूर बताओ, उसमें से जो सा बेहतर होगा नाम वही नाम रख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ना अभी जो सा भाई बैठों के चक्कर में ना मैं अपनी बाइक पे ध्यान ही नहीं दे सका, काफ़ी दिन हो गए बाइक खड़ी हुई है, कोई ले जाता है पट्टे वगैरह लेने के लिए, कभी कोई ले जाता कहीं, कभी कोई कहीं ले जाता है, तो ऐसे करते करते ना काफ़ी दिन हो गए, तो ना बाइक का ध्यान ही नहीं रख सकता, मैं समझ नहीं लग रही इससे जान छूटेगी तो ध्यान रखूँगा बाइक का, तो बाइक के एक दो काम है जो उसे करवाने वाले हैं, इससे पहले पहले हमने करवा लेने ताकि इस पर हम ना सुकून से बाइक चलाएँ, कोई मसला ना हो, तो वो काम भी ज़रूरी है, तो कल परसों जाके वो काम भी हम करवाएंगे टोटली। तो उसके अलावा देखा ना वही बात हुई, बैठ गया थक गए, सारी बात है पूरा दिन घूम बच्चे ले घुमाते रहते हैं तो ये थक जाते होते हैं, तो इनको भी यार ये भी मतलब ना जानवर है तो इनको भी थकावट होती है, इस वजह से ना ये बैठ जाते सुकून करते होते हैं, तो इसी वजह से मैं आगे लगा कहना दिमाग खाई जा रहा है हमारा आके, लेकिन मैं ऐसा कि इनको पानी वगैरह पिला दिया जा रहा टाइम ताकि ना ये सुकून से रात गुजारे। तो इसके अलावा माशाल्लाह देखिए हमारा बैठा जो है ना पट्टे सारे खा गया, तो अभी ना मेरा दिन में रह गया अगर इसने पट्टे सारे खा लिया ना तो अभी तूड़ी बंडा इसको बना के देते हैं ना वो भी खा ले, तो अभी ना हम लोग को कर लेते हैं एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी नई से नई वीडियो देखते रहें, अल्लाह हाफिज़।